हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी, वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। हम बात करेंगे स्वाका बिजनेस शेयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, 1994 में कंपनी कॉर्पोरेट हुई थी, एंड वो किस सेक्टर की कंपनी है? सेल्स ऑफ वेरियस केमिकल प्रोडक्ट्स एंड स्क्रैप मटीरियल। करंट प्राइस चल रहा है 1.02, तो 1 रुपीज के आसपास मिलने वाला एक पेनी स्टॉक है। क्या न्यू अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपडेट ये है फ्रेंड्स कि दिसंबर क्वार्टर का न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना अच्छा नहीं आया, हमें होल्डिंग सेल होते ही देखने को मिली है। कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी कम है, 11.7 करोड़ का मार्केट कैप है। जो इसका हाई है 52 वीक, वो है 3.91, एंड जो लो है 0.91 है। तो शेयर अभी अपने 52 वीक लो पर ही है। 20% का बैंड है, मतलब अगर इसमें एक अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा तो 20% का लग सकता है। ROC पॉजिटिव है 4.69%, ROE भी पॉजिटिव है 3.26%, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। पॉजिटिव पॉइंट कंपनी का ये है कि कंपनी इज ऑल्सो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेन चीज़, क्या न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न आया। सो फ्रेंड, प्रोमोटर होल्डिंग हो चुकी है 4.11%, जो पहले थी 7.10%। तो प्रोमोटर होल्डिंग कम हुई है। DII की 0 या DII नहीं थे शेयर में, और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो बढ़ के हो गई है 95.89%, जो पहले थी 92.90%, बिकॉज प्रोमोटर ने शेयर को सेल किया है। 7.10% से 4.11% प्रोमोटर होल्डिंग रह चुकी है, जो एक नेगेटिव चीज़ है। सो दिस इज द न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ दिसंबर क्वार्टर, जो आपको सबको पता होना चाहिए। अगर हम लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें तो 13 जनवरी को लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई थी कंप्लाइंस सर्टिफिकेट। उसके बाद से हमें अब वेट है Q3 के रिजल्ट की डेट का, जो अभी तक नहीं आई है, बट आ जाएगी बहुत जल्दी। सो विद इन नेक्स्ट 10 to 15 days हम Q3 के रिजल्ट की डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छी चीज़ ये है कि एक पेनी स्टॉक है बट एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट है 0.14 करोड़ का, और जून क्वार्टर का था 0.04 करोड़ का। तो जून की कंपैरिजन तो जो प्रॉफिट था वो सितंबर क्वार्टर का अच्छा आया था, और अब हमें देखना है कि दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आता है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म टारगेट 1.10 का लेके चलिए, 1.10 तक तो चला जाएगा, बिकॉज क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है वो अच्छे हैं कंपनी के, और अगर Q3 का रिजल्ट अच्छा आता है तो हम इसे फिर 1.50 तक ज़्यादा देख सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमें 1.10 का ही लेके चलना है। चैनल को किया फर्स्ट टाइम विजिट, प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। पेनी स्टॉक है, उतना इन्वेस्टमेंट करना है जितना आप रिस्क ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना कभी भी। एंड थैंक यू सो मच।